हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरोम गोस्वामी एंड आज का वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको 100% लाना है तो आप लोगों को हमारे वीडियोस को देखना होगा। मैंने कई सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। कल आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के जो क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको आंसर के साथ पढ़ाया है। लेकिन आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, पहला देखो मेंडल का नियम, फिर आपको जैसे देखने को मिलेगा लिंग निर्धारण भी आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो पहले हम लोग समझेंगे मेंडल के नियम। तो आपको पता है मेंडल ने अपना 3 नियम दिया था, जिसको मैंने एक बार और पढ़ाया है, जो कि आपको अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो भी हम आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में समझा देते हैं। मेंडल के 3 नियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, देखो पहला आपका है प्रभाविता का नियम। पहला जो मेंडल का नियम था वो था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिगमन का नियम। 3 नियम थे, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ठीक है, पहले नियम पर तो एक संकर मंडल ने प्रस्तुत किया था, दूसरे पर तीसरे पर आपका जो था ना वो द्विव संकर संकरण प्रस्तुत किया था। उसे मैं आपको अगले वीडियो में, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बताऊंगा। लेकिन ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? कहता है कि जब प्रभावी लक्षण जो होता है ना, प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हो, तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, लेकिन अप्रभावी वाला नहीं। कहने का अर्थ है, जैसे आप लोग थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझो, जैसे यहाँ जो है ना, यहाँ एक पहलवान है ना, ये पहलवान व्यक्ति है, दिखने में तो लगता होगा कि यह पहलवान, लेकिन पहलवान है। ठीक है, ये मतलब थोड़ा दुबला है, पतला है, ठीक है, छोटा सा है। ठीक है, तो ये आप समझ लो प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी भाई है, प्रभावी लक्षण, दिस अप्रभावी। अब देखो, अगर हम ये दो जीन, इनके दोनों जीनों को साथ में रख दें, तो इसमें से जो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, आपको सामने दिख रहा है वो मोटा ताजा पहलवान है, और वो ये छोटा सा है, वीक है, यानी कि कमजोर है। तो प्रभावी लक्षण वाला अपना जीन प्रदर्शित करेगा, ये जो पहलवान साहब है ना, ये अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे, ये जीतेंगे, ये इनसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अप्रभावी वाला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना दुबले पतले छोटे से हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण दोनों को साथ में उपस्थित हो, दोनों एक साथ में उपस्थित हो, तो प्रभावी लक्षण वाला अपना जीन जो है ना लक्षण प्रदर्शित करता है, लेकिन अप्रभावी वाला नहीं। अब आपको यहाँ कोई मतलब पहलवान और दुबलेपन से नहीं मतलब है, आपको देखो प्रभावी और अप्रभावी मटर के पौधे में। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसको अच्छे से। देखो प्रभावी लक्षण का अर्थ होता है लंबा, लंबा का अर्थ होता है पहलवान, यानी कि लंबा है वो। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण का अर्थ होता है लंबा। मेंडल ने अपना 7 लक्षण दिया था, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर में। ठीक है, प्रभावी लक्षण का अर्थ होता है लंबा, और टेल, टेल मतलब लंबा, तो यहाँ कैपिटल टी यानी कि मैं यहाँ प्रतीक के रूप में लिख रहा हूँ। ठीक है, टेल मतलब होता है लंबा, तो इसको प्रभावी लक्षण टी लिख देते हैं। ठीक है, और अप्रभावी, इधर हेडिंग डालो अप्रभावी, अप्रभावी, लेकिन कभी भी आपको अप्रभावी अर्थात बौना, बौने ये लंबा है ना, लंबा, लेकिन अगर बौना उसका अप्रभावी होगा बौना, लेकिन बौना को कभी आपको अंडरसाइन नहीं लिखना है, इसी का स्मॉल लिख देना है, अर्थात स्मॉल टी, दिस इज बौना। ठीक है, दिस इज टेल, यानी कि लंबा। ठीक है, अब आप समझो इसमें से जो है ना प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण कैसे प्रदर्शित करता है। देखो जो मतलब जीन होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं, तो इन दोनों में से एक एक जीन आएगा, एक एक जीन, और हमेशा जो टी है ना कैपिटल टी आगे लिखा जाता है, तो ये भी लंबा होता है, अर्थात ये भी लंबा है, तो ये भी प्रभावी होगा, अर्थात प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित किया, क्योंकि ये लंबा है ना, तो ये भी प्रभावी है, तो इसलिए अपना लक्षण प्रदर्शित किया। ठीक है, दूसरा
पृथक्करण का नियम। देखो पृथक्करण का नियम क्या कहता है, कारक युग्मक जो कारक होते हैं अर्थात जीन को कारक कहा गया है, ठीक है, तो कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं या फिर युग्मक में चला जाता है, इसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। जो कारक है वो अगर युग्मक बने ना, तो कारक जो है युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं, मतलब 50-50% पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। कैसे पृथक हो जाते हैं ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो स्टूडेंट कैसे पृथक होते हैं ये आप लोग समझ लो। देखो जो मतलब कारक है अर्थात जीन को कारक कहा गया है, ठीक है, मेंडल ने कारक कहा था, तो यहां लंबा ले लो, लंबा इधर बौना ले लो, लंबा आपका क्या है कैपिटल टी, ये आपका लंबा है, स्मॉल टी ये आपका बौना है, ठीक है। अब देखो यहां कहे है ना कि जो कारक है युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं, तो ये क्या है कारक है, दिस कारक, एंड ये युग्मक बनते समय अर्थात अगर इनको युग्मक बनाया जाए तो ये अलग अलग पृथक हो जाएंगे, अर्थात टी एंड ये टी अलग अलग हो जाएंगे, टी एंड टी। तो अगर ये जो है ना कारक जो है अगर युग्मक में जाना है ना, युग्मक बनते समय ये आधे आधे पृथक होते हैं, वैसे तो जोड़े में होते हैं लेकिन जब ये आधे आधे पृथक हो जाते हैं, जब युग्मक में चले जाते हैं तो युग्मक के अंदर जोड़े में हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। ये है युग्मक, क्या है युग्मक, समझ में आया, दोनों समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डोंट कंफ्यूजन, बिकॉज आपको इतना अच्छे से समझाया जा रहा है, इतना अच्छा कोई समझाएगा नहीं, आप लोग देख लेना, ठीक है, कहीं भी और स्टडी करके देख लो, इतना अच्छा नहीं समझाएगा, ठीक है, इतना अच्छा जैसे मैं समझा रहा हूँ। देखो लंबा है कैपिटल टी, इसे आप एक प्रकार से टेल भी कह सकते हो, लेकिन टेल का आगे का अक्षर लिया गया टी। अब देखो इसी का आपको कैपिटल का स्मॉल लेना है, जैसे स्मॉल टी लेना है, अगर बौना उसका अप्रभावी लक्षण जो है ना उसमें आपको स्मॉल लेना है, जैसे अगर पीला आपका प्रभावी है तो उसका स्मॉल वाई लेना है, ठीक है, येलो पीला तो इसका हरा इसका अप्रभावी लक्षण है, पीला का हरा अप्रभावी लक्षण है, तो पीला का अगर वाई लोगे तो हरा का स्मॉल वाई लेना पड़ेगा। चलो तीसरा नियम देखते हैं, तीसरा नियम क्या कहता है ध्यान से समझ लो। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कह रहा है जब दो लक्षणों को लेकर अभी तक एक लक्षण लिया गया था, एक लक्षण का अर्थ है अगर लंबा लिया जाएगा तो बौना, ये एक लक्षण है, लंबा के साथ बौना प्रभावी और अप्रभावी दोनों मिलाकर एक लक्षण है, लेकिन इसमें आपको दो लक्षण लेना है, अर्थात अगर बात की जाए तो जैसे गोल और आपका झुर्रीदार और पीला और हरा, ये दो दो लक्षण है, ठीक है, मतलब दो दो एक एक लक्षण दो लक्षण है, ठीक है, दो लक्षण है, ठीक है, जैसे समझना भी, जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से अपना युग्मक में चला जाता है, मतलब जो दोनों लक्षण के जीन है वो स्वतंत्र रूप से, डोंट कोई कंफ्यूजन, ये फ्री यानी कि फ्री होते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से युग्मक में चला जाता है और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता, अर्थात जो एक लक्षण का जीन होगा ना वो दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित कभी नहीं करता। तो यहां कहने का अर्थ है कि जब दो लक्षण के जीन, अगर दो लक्षण के जीन के बीच संकरण कराया जाए तो दो लक्षण के बीच अगर आप संकरण कराओगे तो दोनों लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं, अर्थात जो दोनों लक्षण के जीन होंगे वो स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा समझना, देखो अगर हम लोग देंगे इधर, देखो गोल है, गोल का अप्रभावी क्या होगा झुर्रीदार, क्या होगा झुर्रीदार, इधर उधर लिख देते हैं झुर्रीदार, अब समझना गोल का क्या होगा, ये तो एक लक्षण है अभी आर आर, तो झुर्रीदार का स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा अगर प्रभावी कैपिटल लोगे तो ये आपको स्मॉल लेना होगा। अब समझना यहां आपको अब लेना है गोल लिया तो अब पीला, क्योंकि दो लक्षण लेना है एक साथ, दो लक्षण, पीला का जो अप्रभावी होगा वो होगा हरा, ये आपका प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण, दिस अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण,
अब यहाँ अगर गोल्ड लिया तो हरा लेना पड़ेगा, सॉरी पीला लिया तो हरा लेना पड़ेगा। अब पीला को कैपिटल वाई लिख सकते हैं ना, येलो तो इसका स्मॉल वाई लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से एक एक दोनों में से, यानी कि गोल का एक आर चला आएगा, पीला का एक वाई चला आएगा, और इसमें से एक आर चलाया जाए एक वाई चला आएगा, इन दोनों को मिलाकर आपका बनेगा जो वो आर आर वाई वाई, ये बन गया ना। और ये है गोल पीला, अर्थात गोल और पीला दिख नहीं रहा है, ठीक है मैं दिखा देता हूँ ये, सॉरी ठीक है, गोल और पीला, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसी पर द्विसंकर संकरण पूरा आधारित है, ठीक है। तो अब वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी हम लोगों ने मेंडल का नियम देख लिया। मेंडल का नियम बस इतना है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम और पृथक्करण का नियम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन दोनों के बीच संकरण कराया गया है, ठीक है, क्रॉस का चिन्ह। अब हम लोग एक टॉपिक और समझेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। स्टूडेंट ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, 2021 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा स्टूडेंट, तो इसलिए आपको जरूर तैयार करना है। नाम क्या है? मनुष्यों में लिंग निर्धारण। लिंगों का निर्धारण कैसे होता है? जैसे लिंग का निर्धारण अर्थात कर मतलब जो लिंग निर्धारण होता है, ये एक ऐसा मतलब प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि जो होने वाला संतान होगा लड़की होगी या लड़का, या कितना परसेंट चांस लड़की का होता है यानी कि नर का होता है, कितना परसेंट चांस मादा का होता है, इससे यही पता लगता है मनुष्य में लिंग निर्धारण के द्वारा। तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ, ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। देखो जो एक मनुष्य होता है, चाहे वो नर हो और चाहे मादा हो, चाहे नर हो चाहे मादा हो, तो नर व मादा में, यहां आप लोग लिख सकते हो मनुष्य में या फिर नर व मादा में कुछ नहीं दिक्कत है, मनुष्य में कुल गुणसूत्र, कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। यू नो दैट क्या कि आपके शरीर में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 है, बट इसमें से जो 46 में से 44 गुणसूत्र क्या है? यू नो डेट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया गुणसूत्र, सॉरी सूत्री नहीं, गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है? दैहिक गुणसूत्र है या फिर कायिक, दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र है। क्या है? कायिक। गुणसूत्र, ठीक है। बट दो लिंग सॉरी दो गुणसूत्र जो है ना, गुणसूत्र लिख दो, गुणसूत्र वैसे तो मैंने सोचा था ना लिखें, लेकिन आप लोगों की वजह से लिख देते हैं, ठीक है। दो गुणसूत्र जो है वो लिंग गुणसूत्र है, लेकिन स्टूडेंट लिंग गुणसूत्र देखो, जो 44 गुणसूत्र होते हैं चाहे नर हो या मादा, दोनों में समान होता है, बराबर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे नर हो या मादा हो, ये 44 गुणसूत्र बिल्कुल समान होता है। जैसे एक नर में 44 गुणसूत्र होगा, दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र, वैसे मादा में भी होगा, नो एनी डिफरेंस, एक ही जैसा होता है। अब आपको जहां डिफरेंस मिलेगा वो गुणसूत्र किसमें? लिंग गुणसूत्र में डिफरेंस मिलेगा। लिंग गुणसूत्र में क्या होता है? नर में जो होता है ना, नर यानी कि एक नर में, नर में लिंग गुणसूत्र जो होता है ना, नर में लिंग गुणसूत्र सॉरी लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र कितना होता है, क्या होता है? एक्स वाई होता है, जो नर होते हैं एक्स वाई होता है, ठीक है, याद कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको जैसे मैं बता रहा हूं। और मादा में जो है ना, मादा में जो लिंग गुणसूत्र होगा, लिंग गुणसूत्र, ये अड़ा है स्टूडेंट, ठीक है, गुणसूत्र जो होगा वो एक्स एक्स होगा, एक्स एक्स होता है, ठीक है, किसमें? मादा में, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपको पूरी प्रक्रिया, अब इसकी प्रक्रिया भी समझाऊंगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ना, दो चीजों में होती है, ऐसे बिल्कुल जो होता है ना, ये मनुष्य में होती है, जो नर या मतलब जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, मनुष्य में, मनुष्यों, तथा एक चीज में और होती है जो ये प्रक्रिया बता रहा हूं ना, ये एक चीज में देखो ये होता है ना, ड्रोसोफिला मधुमक्खी में सेम इसी प्रकार से होता है जैसा ये हो रहा है, ठीक है, ड्रोसोफिला मक्खी में, ठीक है,
ड्रोसोफिला मक्खी में होता है, ऐसे बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ लिखना चाहिएगा तो लिख लेना, जैसा मैं चित्र में समझाऊंगा वैसे। देखो यहाँ प्रक्रिया समझ लो कैसे होता है, जैसे 50% कैसे नर का चांस होता है और 50% कैसे मादा का चांस होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मादा, माता इधर लिख लो, इधर नर लिख लो। मादा में क्या होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र होता है ना, एक्स एक्स गुणसूत्र। लेकिन नर में क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है। तो अब आपको करना क्या है, इन सबको अलग कर देना है, क्योंकि यहाँ आपको पृथक्करण का नियम लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ना कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ एक्स अलग कर लो और यहाँ एक्स अलग कर लो, यहाँ डब्बा बना लो गोला, एक्स एक्स, और यहाँ एक्स अलग कर लो और यहाँ वाई अलग कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक एक का संकरण करा लो स्टूडेंट, यहाँ इसका इससे करा दो, तो यहाँ एक्स एक्स बना, ठीक है, एक्स एक्स, फिर इसका आप इससे कराओ, यहाँ बनेगा एक्स वाई, इसका संकरण इससे कराओ तो यहाँ एक्स एक्स बनेगा, अब इसी का संकरण इससे कराओ तो यहाँ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब वी नो दैट कि ये जो है ना एक्स एक्स किसका होता है, मादा का होता है, एक्स वाई नर का होता है, एक्स एक्स मादा का होता है, एक्स वाई नर का होता है। अगर मैं इसे मतलब 100% मान लूँ, ये पूरा 100% है, तो कितना मादा का चांस है कितना नर का चांस है, तो 50% मादा मादा नर नर, 50% नर का चांस होता है, 50% मादा का, तो 50% नर का चांस होता है और 50% मादा का, अर्थात मतलब कोई भी मतलब माता है तो उसमें 50% नर का चांस होगा, अर्थात लड़का का चांस होगा, और 50% लड़की की चांस होगा कि ये ऐसे मतलब होता है। ऐसा नहीं कि इतना इनका परसेंट ज़्यादा इनका, कोई दिक्कत नहीं, आपको 50% नर का चांस होगा और 50% मादा का चांस होगा। यही प्रक्रिया पूरी, यही प्रक्रिया लिंग निर्धारण कहलाती है। यही प्रक्रिया जितना मैंने बताया है ना वही है लिंग निर्धारण कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, लिंग निर्धारण। आपको समझ में आ गया ना, बस इतना ही काफी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा मेंडल के सभी नियम जितने थे और लिंग निर्धारण पूरी तरह से। तो अब आप लोगों को अगले वीडियो में और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। अब आप लोगों ने कह दिया तो सॉल्यूशन के साथ कराया जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग जितना वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, उतना ही अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर चैनल पर नया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहना, योर टारगेट इज 95%। थैंक यू।